आप सभी का स्वागत है सरकारी ग्रुप में। दोस्तों, रेल मंत्रालय ने दिया बहुत ही बड़ा फैसला। दोस्तों बता दें, 3000 नई ट्रेनें की शुरुआत यहां पे होने जा रही है। वेटिंग टिकट का झंझट यहां पर ख़त्म हो जाएगा, अब सभी को मिलेगा कंफर्म टिकट। दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी नई अपडेट और जानकारी के बारे में बताएंगे जो कि दोस्तों रेलवे की तरफ से आ रही है। तो वीडियो में अगर अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि दोस्तों रेल छोटी बड़ी अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलती रहे। अब आइए दोस्तों, क्या बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों अपडेट कुछ इस प्रकार है कि वेटिंग लिस्ट का झंझट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। 4 साल में 3000 नई ट्रेनें चलाने जा रहा है रेलवे। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर खबरें कुछ इस प्रकार से आ रही है कि भारतीय रेलवे इस क्षमता को विस्तार से सालाना 1000 करोड़ यात्रियों को आरामदेह सफ़र कर सकेंगे। इसके लिए सरकार जो है चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। ये दोस्तों मीडिया में बता दें, कुछ यहाँ पे खबरें चल रही है कि जैसे कि दोस्तों कहा जा रहा है कि इस साल दिवाली छठ में इतनी यहाँ पर भीड़ उमड़ी कि दोस्तों केंद्र सरकार जो है अगले 4 सालों में 3000 नई यात्री ट्रेन यहाँ पर चलाने की और लंबी वेटिंग लिस्ट समाप्त करने की मिशन में जुट गया है। भारतीय रेलवे इस क्षमता को विस्तार के लिए सालाना 1000 करोड़ यात्री को आरामदेह सफ़र यहाँ पर कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। अब दोस्तों कहा जाए कि रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हर साल करीब 5500 LHB कोच बन रहे हैं। नीतिगत फैसले के तहत LHB कोच पुश पुल ट्रेन सेट तकनीक पर बनेंगे, यानी कि फैक्ट्री में कोच यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, बनकर यहाँ पर अगले 4 साल में निकलेगी। इसी प्रकार दोस्तों कहा जा रहा है कि अमृत भारत एक्सप्रेस रेलवे में यहाँ पर जुड़ने वाली है। इसके अलावा 1600 से 1700 नई ट्रेनें अगले 4 से 5 साल में यहाँ पर चलाना है। 2027 तक 3000 नई ट्रेनें यहाँ पर दौड़ती नजर आएंगी। वर्तमान में रेलवे के करीब 69,000 LHB कोच उपलब्ध है। इसमें पुश पुल सेट में यहाँ पर तब्दील किया जाएगा। ट्रेन में रुकने या फिर गति को यहाँ पर बढ़ाने पर जो भी यहाँ पर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन है उसमें समान गाड़ी का आधा वक्त लगेगा। ये जो इस पर कुछ यहाँ पर काम किया जा रहा है। अब ऐसे में दोस्तों जो मौजूदा ट्रेनें हैं, प्रॉब्लम क्या है कि दोस्तों यहाँ पर मौजूदा इतनी ट्रेनें हैं कि इतनी सारी ट्रेनें अभी भी लेट चलती हैं। देखेंगे तो हर एक ट्रेन कुछ ना कुछ यहाँ पर लेट चलती है। अब ऐसे में तो 3000 क्षमता वाले नई और ट्रेन यहाँ पर आ जाएंगे। अब ऐसे में दोस्तों हो सकता है रेलवे को और भी रेलवे लाइन यहाँ पर बिछानी पड़ सकती है। दोस्तों बता दें, हो सकता है ये दोस्तों आने वाले जो भी यहाँ पर लोकसभा चुनाव है 2024 का, इसको लेकर दोस्तों केंद्र सरकार ने यहाँ पर जो भी अनाउंसमेंट है कर रही है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, आप यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताएं। साथ साथ दोस्तों रेलवे ने यहाँ पर कहा कि रेल क्षमता विस्तार के तहत प्रमुख रेल मार्गों में तीसरी व चौथी लाइन बिछाने पर काम यहाँ पर तेज़ी से किया जा रहा है। आगामी 5 वर्षों में रेलवे नेटवर्क करीब 27,000 से 30,000 किलोमीटर नई यहाँ पर पटरियाँ बिछ जाएगी। स्लीपर कोच कम करने की यहाँ पे आरोपों को नकारा। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि स्लीपर कोच यहाँ पर सभी ट्रेनों में कम किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा AC कोच यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों रेल मंत्री से भी सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा, दोस्तों हम जो है जैसे स्लीपर कोच यहाँ पर खुले होते हैं तो रेलवे की जो स्पीड है, रेल की स्पीड जो है ट्रेन की स्पीड घट जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पैक यहाँ पर रहेगा AC के कोचेज तो ट्रेन की स्पीड जो है यहाँ पर बढ़ जाती है, ताकि दोस्तों किसी भी तरह का आगे से यहाँ पर फोर्स ना, खिड़की खुले होने से फोर्स आता है। यह दोस्तों यहाँ पे विपक्ष द्वारा स्लीपर श्रेणी के कोचों को कम करने और AC कोच बढ़ाने पर आरोपों को विभाग ने यहाँ पे निराधार बताया है। विभाग का कहना है कि नॉन AC श्रेणी में 372 करोड़ यात्री अब तक सफ़र किया है। गत वर्ष की अपेक्षा 41 करोड़ अधिक यात्रियों ने सफ़र किया है। रेलवे में हमेशा ही फोकस दुर्बल आय वर्ग यानी कि निम्न आय वर्ग, मध्यम वर्ग का रहता है। त्योहारी सीजन में यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंतजाम में 1 अक्टूबर 31 दिसंबर के बीच यहाँ पे 6754 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी गई हैं। साथ साथ तो गत वर्ष में इसी अवधि में केवल 2614 फेरे यहाँ पे लगाए गए थे। यह दोस्तों यहाँ पे रेलवे जो है अपनी उपलब्धि यहाँ पर गिना रहा है। दोस्तों यहाँ पे कहना है कि रेलवे ने यात्री क्षमता के मौजूदा 800 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ करने की अगले 4 से 5 वर्षों में 3000 नई ट्रेन शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। यात्रा का समय कम करने का मंत्रालय का एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। 1000 से अधिक फ्लाईओवर और अंडरपास यहाँ पे में भी मंजूरी दे दी गई है। अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री जी ने ये सभी जानकारी यहाँ पर दी है। अब दोस्तों ऐसा होगा क्या कि वेटिंग टिकट क्या दोस्तों खत्म हो जाएगा? जो शुरू में यहाँ पे आ रहा था सुनने में कि जो डायनेमिक फेयर है, जैसे कि दोस्तों प्लेनों में आप एक दिन पहले भी टिकट बुक करके महंगे दामों में आप जा सकते हैं, किसी भी तरह का वेटिंग टिकट नहीं मिलता है। ऐसी दोस्तों कुछ व्यवस्था जो है रेलवे में भी होने जा रहा है।
आपको दोस्तों अगर एक दिन पहले टिकट बुक करेंगे तो आपको काफ़ी ऊंची दामों में यहाँ पर टिकट मिलेगा, लेकिन आपको सीट कंफर्म यहाँ पर मिल जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों होगा क्या कि जो भी लोग यहाँ पर जो गरीब तबका है, मिडिल वर्ग है, उनको दोस्तों यहाँ पर इतनी महंगी टिकट जो है नहीं ले पाएंगे। जो अमीर वर्ग है वो दोस्तों ट्रेन में आसानी से सफ़र कर लेंगे, लेकिन जो गरीब है उसको दोस्तों डायनेमिक फेयर के चलते काफ़ी ज़्यादा टिकट पे प्राइस जो है देना पड़ सकता है। बाकी दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट जरूर बताएं, और नई अपडेट जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर कर दें इस नई अपडेट और जानकारी के बारे में।